कल 23 तारीख है, बड़ा सोमवार है। कल के उपाय गज केसरी योग देंगे आपको, क्योंकि 2 का जो मूलांक होता है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और 3 का अंक होता है बृहस्पति का। चंद्रमा और बृहस्पति की खास स्थिति गज केसरी योग को बनाती है, तो अंक विद्या के हिसाब से कल का दिन गज केसरी योग हम कह सकते हैं। इस दिन ये उपाय करने से आपको धन का लाभ मिल सकता है, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, वास्तु कंसल्टेंसी भी करती हूँ 25 साल से। आप मुझसे परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करिए। एक छोटी सी सलाह आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है, 25 साल का अनुभव है मुझे, तो आपको कोई ख़तरा नहीं है, तो मेरे इस अनुभव का लाभ उठाइए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए। मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर उमाश्री, इसको अभी की अभी सब्सक्राइब करिए। यहाँ बात होती है ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु की, और डेली पूजा पाठ संबंधी और अन्य रेमेडी आपको बताती हूँ जो आपकी किस्मत को चमकाने में अहम रोल अदा करती हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके लिए बहुत काम का है। मित्रों, कल 23 तारीख है, वैसे तो बुध का अंक है 5, 2 और 3 को जोड़ने से 5 होता है, लेकिन 2 का अंक चंद्रमा का होता है और 3 का अंक बृहस्पति का होता है। इस दृष्टि से गज केसरी योग निर्मित हो रहा है और इसको आप लाभान्वित हो सकते हैं ये उपाय करके। आपको क्या करना है, थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल लेनी है और उसको दूध में भिगोना है, मतलब आपको चने की दाल दूध में भिगोनी है। आप अभी भी ये काम कर सकते हैं या सुबह भी ये काम कर सकते हैं, कभी भी करें। दूध में आपको चने की दाल भिगोनी है और उसका जो पेस्ट बनाना है और उस पेस्ट का उबटन लगा के आपको स्नान करना है। इससे आपको गज केसरी योग का पूर्ण फल मिलेगा। आप उसमें चुटकी भर हल्दी डालते हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलता है। इस गज केसरी योग का आप लाभ उठाइए, दुर्लभ योग का आप लाभ उठाइए, और प्रातःकाल शिव मंदिर में जाकर शिव जी के दर्शन अवश्य करिए और ओम नमः शिवाय का एक माला जपिए। अन्नपूर्णा माँ का स्त्रोत भी आप जप सकते हैं, पार्वती मंगल भी आप पढ़ सकते हैं। जो भी शिव परिवार से जुड़े हुए उपाय हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये गज केसरी योग है, यानी इसमें विष्णु भगवान का भी बहुत अहम रोल है और आपको प्रसिद्धि, यश, कीर्ति सब मिलेगी अगर आप हल्दी से भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सोमवार का दिन वैसे तो वो शिव परिवार का होता है, लेकिन विष्णु भगवान की भी आप पूजा कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि 2 का अंक चंद्रमा का और 3 का अंक बृहस्पति का है, तो इस अंक का आपको लाभ लेना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपने से आपको इस दिवस का बहुत लाभ मिलेगा। तो ये काम आप करिए जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और एक स्नान मात्र करने से आपको इतना चमत्कारिक रोल अदा होगा आपके ज़िंदगी में कि आपकी ज़िंदगी में धन का सैलाब उमड़ घुमड़ कर आएगा, बहाने मार मार का पैसा आएगा आपकी ज़िंदगी में। तो मैं हूँ एस्ट्रो एंड वास्तु कंसल्टेंसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर उमाश्री, आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है डॉक्टर उमाश्री, शेयर करिए ये वीडियो सबके साथ में जिससे सबका भला हो सके और सबकी ब्लेसिंग्स आपको मिल सके और आपके थ्रू मुझे भी ब्लेसिंग्स की प्राप्ति हो जाती है, मित्रों हो जाती है। कम्युनिटी पोस्ट में भी मेरे वीडियो चेक किया कीजिए, पुराने वीडियो और नए वीडियो सभी तरह के वीडियो मैं डालती हूँ, तो चेकआउट किया कीजिए। ये आपकी भलाई के लिए मैं काम करती हूँ, इसको आप अनुभव कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, जय अन्नपूर्णा माँ, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी और जय शिव पंचायत, प्रथम पूज्य भगवान गणेश की जय, रिद्धि सिद्धि माता की जय, शुभ लाभ की जय और संतोषी माता की जय अवश्य ही बोलना, कार्तिकेय देवसेना माता की भी जय अवश्य बोलना। थैंक यू सो मच।